गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम पूजा है और मैं आज आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगी, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछूंगी, ठीक है, जिसका आप लोग सामूहिक उत्तर मत दीजिएगा। जिन्हें भी उत्तर आएगा वो अपना हाथ ऊपर करेंगे, ठीक है। मुझे ये बताइए कि हम लोग कॉपी या कहीं भी लिखने के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं? पेंसिल पेन का प्रयोग करते हैं। हाँ बहुत अच्छे, हम लोग पेंसिल पेन इत्यादि वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। मुझे ये बताइए कि जो पेन का नीब होता है, पेन की नीब में सबसे आगे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, उसकी आकृति कैसी होती है? उसकी आकृति बिंदुवत होती है। हाँ बहुत ही अच्छी है, उसकी आकृति बिंदुवत होती है, यानी कि बिंदु के समान होती है, ठीक है। अच्छा बच्चों, मुझे ये आप लोग बता सकते हैं कि दो बिंदुओं को मिलाने से किस आकृति का निर्माण होता है? दो बिंदुओं को मिलाने से रेखा बनती है, और आज हम लोग रेखा के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये आप लोगों को सभी को दिखाई पड़ रहा है? यस मैम। ये क्या है? यह एक धागा है। धागा है? Yes, ma'am. तो बच्चों मुझे ये बता सकते हैं कि ये धागे की जो आकृति है वो कैसी है? धागे की आकृति एक रेखा के समान है। रेखा के समान नहीं, जब इसको हम लोग फिक्स होकर पकड़ते हैं तब ये रेखा बनती है, अदरवाइज जब तक हम लोग इसको ऐसे पकड़े हैं तो इसकी जो आकृति है ये अनिश्चित, ठीक है, किसी पार्टिकुलर शेप में है ही नहीं। क्योंकि अगर आप लोग इसको मेजर करें तो देखिए इसमें बीच में कितनी ही जगह पे ये मुड़ा है, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है। लेकिन जब धागे को हम लोग इस तरह से फिक्स करके पकड़ लेते हैं तो इस धागे की आकृति रेखा के समान हो जाती है। हाँ बहुत ही अच्छे, जब इसको हम लोग दोनों छोर से ऐसे पकड़ लेते हैं तो इसकी आकृति जो होती है वो रेखा के समान हो जाती है, यानी कि स्ट्रेट हो जाती है, स्ट्रेट लाइन हो जाती है। तो क्या होता है, इसी प्रकार जैसे कि मैंने एक देखिए यहाँ पे एक बिंदु फिक्स्ड है और यहाँ पे दूसरा बिंदु को मैंने फिक्स कर दिया, तो मान लीजिए कि वो एक बिंदु एक छोर उसका ए है पॉइंट, और उसका जो दूसरा छोर है वो मान लेते हैं कि पॉइंट बी, ठीक है। इसको अब हम लोग मिलाते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसे मैंने धागा पकड़ा था कुछ उसी प्रकार की आकृति यहाँ पे बन गई है, बनी है ना? यस मैम। तो ये जो आकृति बनी है ये रेखा खंड कहलाती है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि दोनों जो छोर होते हैं इसके जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, निश्चित होते हैं, और इन्हें फर्दर आके हम लोग इधर या फिर इधर किसी भी डायरेक्शन में हम लोग इनको किसी भी छोर को आगे या पीछे नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इनका जो होता है लेंथ जो होता है, इनका जो लेंथ होता है फिक्स होता है, ठीक है।
लेकिन अगर यहाँ पे एक मान लीजिए मैंने अलग रेखा खींच ली है, वैसे रेखाखंड जिनको हम लोग अनिश्चित रूप से दोनों ही उनके छोरों को दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं, उन्हें हम रेखा कहते हैं। ये हो गया हमारा रेखाखंड। और यहाँ हो गया हमारा रेखा, ठीक है, ये हमारी रेखा हो गई। रेखाखंड के दो फिक्स्ड छोर होते हैं, ठीक है, दोनों उनके जो पॉइंट होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अब मुझे ये बताइए आप लोग कि घर में जैसे मतलब मान लीजिए कि आप लोग टॉर्च जो बहुत यूज करते हैं, तो टॉर्च का यूज हम लोग कब करते हैं? टॉर्च का यूज हम लोग करते हैं जब अंधेरा हो जाता है, लाइट चली जाती है। हाँ बहुत अच्छे, जब अंधेरा हो जाता है तो हम लोग टॉर्च का यूज करते हैं। चलिए अच्छा, आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि जब लोग टॉर्च जलाते हैं तो उसका जो उसकी जो लाइट है किरण वो मतलब किस तरह के पाथ में ट्रैवल करती है, मतलब क्या वो जिग-जैग ऐसे ऐसे करके जाती है, रेक्टिलिनियर मोशन में जाती है, स्ट्रेट लाइन। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि जो टॉर्च जो है उसका जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। तो अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका एक पॉइंट फिक्स है और दूसरा जो छोर है, दूसरा जो छोर रहेगा, ठीक है, तो उसके दूसरे पॉइंट को हम लोग अनंत तक की एक डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए टॉर्च है, ठीक है, तो इसकी लाइट जो है हम मेजर नहीं कर सकते, वो उसकी जितनी इंटेंसिटी होती है लाइट की उसकी, वो उतनी दूर तक आगे ट्रैवल करेगा, इसीलिए हम लोग उसको किरण कहते हैं। इस आकृति को हम लोग किरण कहेंगे जहाँ पे इसका एक जो पॉइंट है वो फिक्स्ड है और दूसरे पॉइंट को हम लोग अनिश्चित रूप से बहुत मतलब अनिश्चित रूप से आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि सूर्य के प्रकाश को हम लोग किरण कहते हैं, सूर्य की किरणें हम लोग इसी कारण सूर्य के प्रकाश को सूर्य की किरणें भी कहते हैं, क्योंकि सूर्य मान लीजिए कि यहाँ पे है, ठीक है, और हमारे तक वो आता है तो उसकी जो किरणें होती है वो हमारे तक एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से होके आती है, ठीक है, इसीलिए उसे भी किरण कहा जाता है। वो बच्चों मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया। यस मैम। चलिए सब लोग इसे अपनी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आप लोगों को आंसर करना होगा, इसलिए बस ध्यान से नोट करिएगा। सभी ने अपनी अपनी कॉपी में नोटिस नोट डाउन कर लिया? यस मैम। चलिए बहुत ही अच्छे, अब कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। ये आकृति किसकी है? यह आकृति एक रेखा की है। बहुत ही अच्छे, ये है रेखा की आकृति। ये आकृति किसकी है? यह आकृति एक रेखा खंड की है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छी, ये है रेखा खंड। क्या मुझे आप ये बता सकते हैं ये जो मैंने आकृति बनाई ये किसकी आकृति है? ये एक बिंदु। हाँ ये आकृति, ये है बिंदु। अगर हम लोग ये दो बिंदुओं को मिला देते हैं तो क्या बनेगा? दो बिंदुओं को मिलाने से रेखा खंड बनेगा। बहुत ही अच्छे, दो बिंदुओं को मिलाने से रेखा खंड बनेगा। चलिए बच्चों, अभी आप लोग इसको जो शंपट पे जो भी चीजें हैं इसको अपनी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर दीजिए।
सभी ने अपनी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया? जी मैम। चलिए बहुत अच्छे। ठीक है, अब कुछ मैं आप लोगों से क्वेश्चन करने वाली हूँ जिसका आप लोग आंसर करिए। गलत है मैम, फॉल्स है। फॉल्स है, बहुत ही अच्छे। पूर्ण कोण जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। सही है मैम, बहुत अच्छे। 360 डिग्री का होता है। दो रेखाओं से मिलकर रेखाखंड बनता है, सही है कि गलत है? दो मैम गलत है मैम, दो बिंदुओं से मिलकर। बहुत अच्छे। प्रोटेक्टर से हम दूरी मापते हैं। दो मैम, कोण मापते हैं। हाँ बहुत अच्छे, प्रोटेक्टर से हम लोग कोण का मेजरमेंट करते हैं। जो डिग्री होता है वो कोण का मात्रक होता है, सही है? सही मैम। हाँ बहुत अच्छे, डिग्री जो होता है वो कोण का मात्रक होता है, मात्रक होता है। अगर टॉपिक समझ में आ गया है तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है, जिसे आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे से लिख के नीट एंड क्लीन लिख के लेके आइएगा। रेखा तथा किरण का उदाहरण से व्याख्या करें, ठीक है, उसकी अच्छे से ड्राइंग वगैरह बना के और उसके एग्जांपल के साथ आप लोगों को अपनी अपनी कॉपी में लिख के लाना है, ठीक है? यस मैम। थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम।